अपना कंपैरिजन मेरी माँ के साथ कभी मत करना। वो एक खानदानी और शरीफ औरत थी, तुम्हारी तरह की नहीं, जो पैसे के लिए अपने बाप की उम्र के आदमी को ट्रैप करके उनसे शादी कर ले। आओ बेटा आओ, हम लोग भी डिनर के लिए जा रहे थे, जॉइन अस। घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म करना भी जरूरी ना समझा। कौन सी बड़ी बात बेटा? बुआ का इस घर से जाना मामूली बात है, उन्होंने हमें माँ बनकर पाला और आज जब वो बूढ़ी और बीमार हो गई हैं, तो आप उनकी खिदमतों का सिला देने के बजाय उन्हें जॉब से ही निकाल दिया। सारा, तुम्हें किसने कहा है कि हमने बुआ को निकाल दिया? बुआ को रेस्ट की जरूरत थी तो हमने उसे छुट्टियां दी हैं। तुम चुप रहो, हमारे पर्सनल मैटर्स में बोलने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बीच में आओगी तो बहुत पछताओगी। सारा, ये घर शासमा का भी है। आपने इसी के कहने पे बुआ को जॉब से निकाला था ना? ये मेरा डिसीजन है, मुझे जो बेहतर लगा मैंने किया, मुझे किसी के मशवरों और नसीहतों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। I'm the head of this family. तुम्हें भी मेरे फैसले का एहतराम करना चाहिए। एहसन, प्लीज काम डाउन, आप तो तहम्मुल से बात करें, ये तो है ही जज्बाती। ज्यादा चापलूसियां करने की जरूरत नहीं है बाबा की, यही मीठी मीठी बातें करके तुमने बाबा को ट्रैप किया है ना, लेकिन मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी। Behave yourself, सारा। इतना ऊंची आवाज में बात करोगी तो मुलाजिम सुनेंगे। सारा, मेरी जान, इस तरह से बात नहीं करते। हाथ मत लगाओ मुझे। देखो, अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली ला। ये तो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारे इस तरह से बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, कल को अगले घर जाना लोग बर्दाश्त नहीं करते। अब तुम मुझे सिखाओगी कि किस तरह बात करनी है? सारा, अब तुम हद से बढ़ रही हो। हद से मैं बड़ी हूँ या ये औरत? बाबा, आप तो मुझसे प्यार करते थे, आप तो मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। जब से बेला गई है, मैं इतनी अकेली हो गई थी, एक बुआ ही थी मेरे पास, और उनको भी आपने निकाल दिया इस औरत के कहने पर। आज बुआ को निकाला, कल को क्या मुझे भी निकाल देंगे इस घर से? कैसी बातें कर रही हो सारा, तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो, मैंने जो कुछ भी किया बेटा, बेटा तुम्हारे भले के लिए किया। देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें बुआ की जरूरत नहीं है। जी आपकी जरूरत तो है ना बाबा, लेकिन आप भी मेरी नहीं रहे। इस औरत ने आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भर दी है, आपके पास तो मेरे लिए टाइम भी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है सारा, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। कभी नहीं, अपना कंपैरिजन मेरी माँ के साथ कभी मत करना। वो एक खानदानी और शरीफ औरत थी, तुम्हारी तरह की नहीं, जो पैसे के लिए अपने बाप की उम्र के आदमी को ट्रैप करके उनसे शादी कर ले।